आयोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सौ प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। सौ प्रायोजक है टाफ्री स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक, अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफ्री स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स टावर चौक अकोला। सह प्रायोजक है हुसैन माओ, अनाज किराना ड्राई फ्रूट कटलरी क्रॉकरी कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन माओ आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास बारापुर रोड अकोला। सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाखा मरी स्क्वायर दुर्गा चौक अकोला। अब न लंच की फिक्र न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला, वेज फैमिली रेस्टोरेंट खंडेलवाल भवन के सामने अकोला। बायोलॉजी क्लास बायोलॉजी क्लासेस मार्केट अकोला, एम डी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखे ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में एम डी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। शगुन कैकर, शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी या हो गेट टूगेदर, सबके लिए बेहतर शगुन कैकर, अन्नपूर्णा माता मंदिर रोड शेगा बाईपास अकोला। फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब, पाइए मोटापे से छुटकारा, ज्वाइन कीजिए फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब और फैट से हो जाइए फिट। सभी तरह के डॉक्टर रविंद्र तेलकर इनका मुक्ताई हॉस्पिटल, जहां लेजर द्वारा पाइल्स फिशर फिस्टुला पाइलोनेडल साइनस जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। मुक्ताई हॉस्पिटल तिलक पार्क के पास बिरला रोड रामदास पेठ अकोला। आम्हाला काही माहिती नाही, समजत नाही, काही काय समजत, देवासारखे झाले तुम्ही खरंच। दर्शकों, इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये एक पेड़ की कटाई कर रहा है, इसमें क्या खास बात है। तो आइए अब हम आपको ये पूरा चित्र दिखाते हैं कि ये जो पेड़ की कटाई कर रहा व्यक्ति है, ये किस अवस्था में, किस परिस्थिति में इस पेड़ की कटाई कर रहा है। जमीन से लगभग 42 से 45 फुट ऊंची, यानी लगभग 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर ये व्यक्ति है, और जिस सीढ़ी के ऊपर ये खड़ा है वो भी हवा में झूल रही है किसी रस्सी के सहारे। उस झूलती हुई सीढ़ी पर ये अपना पैर जमाए खड़ा है, अपने एक हाथ से उस रस्सी को पकड़ के रखा है जो रस्सी ऊपर से नीचे की ओर छोड़ी गई है, और एक हाथ से कुल्हाड़ी से उस पेड़ की कटाई करने की कोशिश कर रहा है पूरी ताकत से। इतना ही नहीं, जिस पेड़ को काट रहा है उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता भी है, जिसे आग लगाकर जलाकर धुआं किया जा रहा है। यानी ये शख्स जहां खड़ा है वहां पर धुआं भी आ रहा है, तेज धूप है, पैरों में पसीना आ रहा है, पैर का बैलेंस कभी भी सीढ़ी से छूट सकता है या फिर हाथ का बैलेंस छूट सकता है, दो में से अगर कोई भी चीज होती है तो ये आदमी ऊपर से नीचे गिरकर अपनी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो क्या ये व्यक्ति को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ऐसा करने से इसकी जान जा सकती है? जी हाँ, पता है, पर पेट की आग बुझाने के लिए ये सब करना पड़ता है। ये नजारा यहाँ से गुजरने वाले कई लोगों ने देखा होगा, कई मीडिया कर्मी ने इसकी तस्वीरें भी खींची जो बाद में कई समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुई, लेकिन किसी ने भी उस दर्द को समझने की कोशिश नहीं की जो दर्द ये व्यक्ति झेल रहा है। हजारों गुजरते लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने वो दर्द महसूस किया और सिटी जंक्शन को इसकी जानकारी दी। सिटी जंक्शन की टीम जब वहां पहुंची तो वो नजारा देखकर हमारा दिल दहल गया, और हमने इसे शूट करने के साथ ही ऊपर जाकर उस व्यक्ति को रोका। हमारा कैमरा देखते ही वो खुद ही ऊपर चढ़ गया और उसने काम बंद कर दिया। फिर ऊपर जाकर हमने उनसे बातचीत की और उनको बताया कि इस तरह जान जोखिम में डालकर काम करना कितना घातक साबित हो सकता है, और उनकी जान अगर चली गई तो जिस परिवार के लिए वो
इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर परिवार का निर्वाह करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं, अगर वही नहीं रहे तो फिर क्या होगा। इन चार व्यक्तियों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पे कार्य कर रहा है। इसकी मजबूरी है इंसान की, क्योंकि पेट की आग सारी मजबूरियों को ख़त्म कर देती है। आदमी अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है, क्योंकि पहले उसकी परवाह होती है कि घर वालों की जो जिम्मेदारी उस पर है उसे निभाए। ये आदमी तो नहीं सोच रहा है, लेकिन जिस पुरातत्व विभाग ने ये कार्य इन्हें करने के लिए दिया है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम यहाँ पर उतनी सिक्योरिटी इनको मुहैया कराई जाए, या कम से कम ये तो भी देखा जाए कि ये जो काम कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी है या नहीं है। आज प्रशासन की ओर से कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। ये रस्सी बांधी गई है, इसको सीढ़ी बांधी गई है, और उस सीढ़ी के जरिए इंसान नीचे उतरता है, वो सीढ़ी पे खड़ा रहता है। एक तो खड़े रहने का बैलेंस बनाइए, एक हाथ से रस्सी को पकड़िए और एक हाथ से कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काटने की कोशिश की जा रही है। ये किसी सर्कस से कम नहीं है, लेकिन इस ज़िंदगी की सर्कस में रिटेक नहीं है। नीचे कोई जाल बिछा हुआ नहीं कि आप गिर गए तो बच जाओगे। प्रशासन को कुछ नहीं करना है, लेकिन इस इंसान की जान चली जाए तो इसके परिवार का देखेगा कौन? ये कई सवाल खड़े करता है। हम आने के बाद इन्होंने काम बंद कर दिया, नहीं बंद नहीं किया, लेकिन हम अभी भी फिर से यही कहते हैं कि जब तक कि सिक्योरिटी ना हो तब तक कि इस तरह का कार्य आप ना करें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। 42 फुट ऊंचाई पर आप खड़े हैं, ना आपके पास हेलमेट है, ना सिक्योरिटी बेल्ट है, कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ बाद में देखते रहेंगे और बोलेंगे गिर गया आदमी, बस हो गया काम। ये जो अभी आपके बोल रहे हैं मजबूरी है, लेकिन ये बाद में क्या बोलोगे, हो गया भाई गिर गया, हाथ छूट गया, सारा इल्जाम आप पे आएगा, क्योंकि हाथ आपका छूटा, उनका थोड़ी ना छूटा। उन्होंने तो सीढ़ी लटका दी है, सीढ़ी लटकी हुई यानी आपकी जान लटकी हुई भैया, जिस पर आप लटके हुए हो, आपका हाथ छूटा और हादसा हुआ। हम चाहते हैं आप जिंदा रहे, यहाँ ऑफिस है ना, ऑफिस के बाजू में ऑफिस कि हमको मजदूरी होना करके कांटेक्ट में आ गए, तो ठीक है बोले तुम चार आदमी किले करो, ये काम करना पड़ेगा हमने, बोला मजदूरी के साथ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र मोहत। आपका नाम बताए सर। श्री राम हरसुलकर। अच्छा, और आपका नाम सर? समाधान ठोंबरे। अच्छा, कहाँ आप कहाँ रहते सब लोग? 7 साल हो गए। शिवसेना में साईनगर में। साईनगर में रहते हैं, शिवसेना के पास, न्यू हिंगला पश्चिम रोड। सर मुझे बताइए, आप ये सब काम कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि आप इनकी जगह पे अपने आप को भी रखिए, आप ऐसा लटक सकते हैं? इनकी उम्र देखिए यार, अरे भाई आप ये अभी यही नहीं, थोड़ी देर में यानी आप चारों की जिंदगी आप खुद जोखिम में डाल रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा आपको? वैसे तो लगता ही, लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि पेट के लिए ये करना पड़ता है। नहीं ठीक है ना, मैं समझ रहा हूँ आपकी पेट की मजबूरी। साहब नहीं तो साहब लोग बोलते कल से मत आओ, कल से बंद बंद हो जाए। साहब को बोलो सिक्योरिटी दो ना, और कम से कम आपको अगर वो सिक्योरिटी नहीं देते तो आप तो सिक्योरिटी लगाओ। साहब बोलते सेफ्टी बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, इतना तो आप व्यवस्था उनसे करवा सकते हैं कि इसके बगैर हम नहीं जाते, और कोई भी किसी को जाने मत दीजिए, यहाँ खड़े रहिए ना आप। साहब बोलते हम दूसरे आदमी बोल देंगे तुमको, बंद कर। एक तरह से तानाशाही चल रही है साहब, मजदूरों की मजबूरी का पूरी तरह से फायदा उठाया जा रहा है, और सीधा सीधा ये कहा जा रहा है तुम नहीं तो कोई और सही, और वो कोई और भी इसी जोखिम को इसीलिए स्वीकार करेगा ताकि उसका परिवार पल सके, और वही चीज ये कर रहे हैं। इन्हें दोष नहीं दे सकते, दोष उन लोगों का है जो इस तरह का कार्य करने के लिए इन्हें मजबूर करते हैं। जब हमने संबंधित पुरातत्व विभाग के अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की तो फोन पर जिस व्यक्ति से हमारी बात हुई उन्होंने हमसे ये कहा कि उन्हें इस तरह कार्य करने के लिए मना किया गया था, उन्हें सेफ्टी बेल्ट दी गई थी जो कि नहीं दी गई थी। खैर हमने उनसे ये बात जरूर कही कि अगर इनकी जान चली गई तो इनकी जान आफत में आ सकती है, और इस बात को उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने तुरंत संबंधित कर्मचारियों को कॉल लगाकर काम रोकने के लिए कह दिया। अब ये व्यक्ति ने सही में काम रोकने के लिए कहा है या सिर्फ हमें कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमने फिर से उसी जगह जाकर उन व्यक्तियों से बातचीत की। तो उन्हें पहले जो डर था कि कहीं इस वजह से उनकी नौकरी ना चली जाए, और हमने कहा था, उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी नौकरी हम जाने नहीं देंगे, और जब उन्हें काम रोकने के लिए कहा गया तो उनके आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। वो अपनापन, प्यार झलक उठा
और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप भगवान के रूप में आए हैं हमें बचाने के लिए। हमने उन्हें गले से लगा लिया और हम भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। हमने तो अपना फर्ज निभाया था, लेकिन पूरे अपनेपन से, अपनी ईमानदारी से, और वही अपनापन उनके दिल को छू गया। आज उस अपनेपन ने एक नहीं चार जाने बचा ली और वह हादसा टल गया और उनके होठों पर मुस्कान आ गई। सिटी जंक्शन की टैगलाइन हमारी है, सिटी जंक्शन अपना चैनल अपनी बात। जी हाँ, हम आप ही की बात करते हैं, आप ही के लिए कार्य करते हैं। सिर्फ खबरें दिखाना ही नहीं, बल्कि कुछ हादसों को टालने की अगर कोशिश की जाए वो टल सकते हैं, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। ना कि हादसा होते हुए देखना और उसकी तस्वीरें खींचकर आप तक पहुंचाना, इस तरह का कार्य सिटी जंक्शन कतई नहीं करता। हमें खुशी है कि हमारे इस प्रयास से उस व्यक्ति के चेहरे पर न सिर्फ मुस्कान आई बल्कि उनकी जान भी बच गई, क्योंकि वो जिस तरह का कार्य जिस परिस्थिति में कर रहे थे, ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा थी, ना ही कोई सुरक्षा बेल्ट, ना ही कोई हेलमेट, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि जान जोखिम में डालनी पड़ी। खैर, यह हादसा तो टल गया। सिटी जंक्शन आप सभी से अपील करता है कि अगर आप भी कभी इस तरह की परिस्थिति में किसी व्यक्ति को देखें तो प्लीज कृपया कर उसे रोकें, उसे एहसास दिलाएं कि वो उसकी जान के साथ खेल रहा है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उस शख्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने हमें ये जानकारी दी, और साथ ही उस अधिकारी का भी जिसने हमारी बात मानकर इन्हें कार्य रोकने के लिए तत्काल आदेश दिए। सिटी जंक्शन अपना चैनल अपनी बात, हमेशा आपके साथ।